हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। अगर आप सिंगल हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए है। कौन आने वाला है आपके लाइफ में? यस, अभी आपके लाइफ में कौन आने वाला है ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये कोई पिक कार्ड रीडिंग नहीं है, तो फटाफट अभी आप लाइक कर दीजिए चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी, अगर आप बाद में भी देखोगे तो भी ये वीडियो आपके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आप सोल सर्चिंग कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि कोई आप से मिल सकता है, या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कौन आ रहा है, वो कौन है वो आपके लाइफ में। थ्री ऑफ कॉइन्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे दो पर्सन आएगा, मैं देख सकता हूँ, एक मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, जो काफ़ी फेयर एंड स्ट्रॉन्ग एंड ग्राउंडेड, जो वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसके लिए मैं बोल सकता हूँ इसका बहुत टॉल होगा, जो भी है, मेल हो या फीमेल हो। और मेरे ख्याल से इसका फिजिकल ब्यूटी बहुत ही शानदार। इसका ईगो इशू हो सकता है, कोई स्लाइटली एरोगेंट भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल से इसका एकेडमिक क्वालिटी क्वाइट हाई है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, इसका फैमिली बिजनेस रह सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई ट्रेनर हो सकता है, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़े होंगे और ये क्वाइट ट्रेडिशनल और रिलीजियस हो सकता है, ये स्पिरिचुअल हो सकता है। मैं ये देख सकता हूँ स्ट्रेंथ मतलब क्या है, कि इसको आप क्यों पसंद हो, क्योंकि आप काफ़ी हटके हो, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि ये आपको सिर्फ आपके दिल, यानी कि आपके इनोसेंट दिल के लिए ये आपको प्यार करेगा। आपका कोई जिस्मानी ब्यूटी या फिर आपके फिजिकल ब्यूटी या फिर आपके मनी या फिर आपके स्टेटस देख के ये आपको प्यार नहीं करेंगे। मैं देख सकता हूँ ये अप्रोच नहीं करना जानेंगे एक्चुअली, मतलब इसको नहीं मतलब ये पर्सन थोड़ा सा अकड़ू है, इसको पता नहीं होता है कि कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। सो मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा शाई, बट जैसे ही इसके साथ आपका जलप हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे से बात करेंगे। मैं देख सकता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री इसका बहुत स्ट्रांग रहेगा, आप दोनों का सेक्स लाइफ बहुत अच्छा रहेगा और ये आपको प्यार करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, ये आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा और आप लोगों के लाइफ में ये रिलेशनशिप होने वाला है परमानेंट। इसमें शादी इन्वॉल्व हो सकता है। इनिशियल स्टेज में मैं देख सकता हूँ कि फैमिली अपोज कर सकता है, हो सकता है कि फैमिली का सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलता है, इनिशियल स्टेज में नहीं मिलेगा आपको, बट ये आपके ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है जो आखिर तक रहेगा आपके लाइफ में। मैं देख सकता हूँ अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम कोई रिलेशनशिप में आने वाले हो या फिर आने वाली हो, तो मैं बोल सकता हूँ आप ब्लिसफुल लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। मतलब ये आपका शायद हो सकता है पहला और आखिरी लव और ये मैरिज तक जाएगा। मैं देख सकता हूँ ये कोई चाइल्डहुड फ्रेंडशिप रिलेशनशिप पे बदल सकता है, या फिर ऑलरेडी आप लोग एक बहुत अच्छे दोस्त हो और रिसेंटली आप लोग कमिटेड हो जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हो और किसी के साथ बहुत अच्छा दोस्ती निभाते आ रहे हो, तो ये दोस्ती प्यार में बदल जा रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज हो सकता है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड अ लियो, मैं बोल सकता हूँ ये तीन जोडियक साइन आ सकता है आपके लाइफ में, या तक कि कोई फायर साइन या फिर अर्थ साइन भी हो सकता है ये पर्सन। लेट्स सी वो आपको कैसे मिलेगा और क्या याद कराएगा। टेन ऑफ शोर्ट्स, जब आपके लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, हो सकता है आप बहुत बोर फील कर रहे हो या फिर बहुत बड़ा एक कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर एग्जाम पे फेल या फिर कोई बिजनेस पे लॉस या फिर कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे, शादी हो सकता है टूट गया हो। लाइफ में जब आप बहुत ख़राब स्थिति में रहेंगे तब ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, तब ये पर्सन आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपको याद दिलाएगा आपके पास्ट को, ये पर्सन आपको नए तरीके से बचना सिखाएगा, जीना कैसे जिया जाता है ये पर्सन आपको सिखाएगा, हंसाएगा। ये पर्सन आपको जो जो चीज़ की ज़रूरत है, वो पैसा हो, वो कंपैशन हो, वो इंटीमेसी हो, ये आपको वो सपोर्ट दे देंगे। अभी वो क्या याद दिलाएगा आपको, देखो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ नाइट ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन लाइक लिटरली बहुत फास्ट होगा और ये बहुत ही हैंडसम, लाइक मैं बोल सकता हूँ अगर लड़की हुआ तो बहुत ही अट्रैक्टिव। ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से। तो इसका बातें करने का तरीका आपको
एक एज ए मेंटर की जैसा लगेगा, मोटिवेटर की जैसे लगेगा। मतलब जैसे कि ये पर्सन के साथ जैसे ही आप बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन आपको जानते हैं, मतलब आप दोनों का काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होगा। कोई कोई चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप ना, मतलब आप जो चीज़ नहीं बोले हो उसको समझ आ जाएगा कि वो चीज़ आप बोलना चाहते हैं। तो काफ़ी इंटेलिजेंट एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे छोटे छोटे चीज़ को लेकर, लॉन्ग डिस्कशन आप पसंद करते हो तो ये भी पसंद करेंगे। मेरे ख्याल से इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो सकता है कोई भी चीज़ को लेके, और ये एक आर्टिकुलेट पर्सन होगा, इसका आर्ट, इसके लिटरेचर, इसके मतलब हर क्रिएटिव चीज़ के बारे में इसको बहुत ज़्यादा पता है, और ये एक मैं देख सकती हूँ एक एक्सपर्ट हो सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इसको पूछेंगे तो इसके पास उसका जवाब रहेगा, तो काफ़ी अच्छे वेल कम्युनिकेटर मैं बोल सकता हूँ एक ऐसा पर्सन। तो ये आपको याद दिलाएगा आपके एक्स का, क्योंकि इसके साथ काफ़ी हद तक आपका एक्स का मतलब फीचर्स या फिर फिजिकल ब्यूटी, मतलब लुक लाइक आप बोल सकते हो कि आपके एक्स की तरह ही ये है, बट काफ़ी अलग है, मैं ये बोल सकता हूँ। आखिर में ये देख सकता हूँ कि आप उनके साथ जब मिलेंगे तो आपका कैसा फील होगा, मिलने के बाद आपका कैसा फील होगा। वाओ, आप जस्ट देखो, मिलने के बाद आपके लाइफ में मतलब मान लो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ जैसा आपको महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि आप करीबन 8-10 महीने से एक जगह पे बंद थे, तो ये पर्सन आएगा आपको पहले ही एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकल, मतलब ये आपको एक नए डायमेंशन पे लेके जाएगा, ये आपको नए इंस्पिरेशन देंगे, ये आपको कुछ नए चीज सिखाएंगे, ये आपको प्यार करना सिखाएंगे, ये पर्सन आपको एक कंप्लीटली नए पर्सन बनाएंगे। तो मैं देख सकता हूँ एक सोल सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। सेक्सुअल केमिस्ट्री में देख सकता हूँ कि आपके पास्ट के साथ उतना अच्छा नहीं था, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, बट आप कुछ नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट इस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा सेक्सुअल केमिस्ट्री मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ तक कि अगर आप सिंगल हो तो पहली बार आप एक कॉस्मिक डिवाइन लव को फील करेंगे, और ये पर्सन बहुत जल्दी ही आपके प्यार में आएंगे एंड आप भी उसके प्यार में आएंगे बहुत ही जल्दी। तो ऐसा लग सकता है कि इतना जल्दी आप दोनों के बीच में इतना कुछ कैसे हो गया, क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ में भी मिले थे, तो एक ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये रीडिंग को आपको अच्छा लगा तो आप क्लेम कर सकते हो, एंड आई होप ये चीज़, तब ये जो रीडिंग है आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कि ये जो रिलेशनशिप होगा क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, लेट्स सी। वाओ, देखो लवर्स का कार्ड आया, ये रिलेशनशिप आपके लिए द रिलेशनशिप ऑफ अ लाइफ टाइम होगा, इट्स अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये इटर्नल लव आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, यहाँ तक कि आज भी आप लोग मीट कर सकते हो या फिर 6 दिन के अंदर मीट कर सकते हो, बट ये पर्सन आपके लाइफ में ही रहेंगे, परमानेंटली आ रहे हैं, और ये जेमिनाई भी हो सकते हैं, एक जेमिनाई भी हो सकते हैं। तो कौन से साइन में बोला, फायर साइन फर्स्ट, उसके बाद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है इधर जेमिनाई, हो सकता है कैंसर या फिर स्कॉर्पियो स्पाइसिस, बट मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी जो है लियो, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसका ज्यादा है, अनलेस प्रोबेबिलिटी कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस का है, ठीक है। ओवरऑल आप एक ऐसे पर्सन के साथ मिलने वाले हो जो काफी गुड लुकिंग है, एस्टेब्लिश्ड है, हो सकता है थोड़ा सा इगोइस्टिक, बट इसके साथ आपका परमानेंट रिलेशनशिप रहेगा। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमः।